बताएंगे। लगभग बीज नेटवर्क में जितनी भी संस्था है, ICAR, 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 48 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और 726 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र और 72 सरकारी एजेंसियां राज्य और केंद्र सरकार की इसके साथ जुड़ी हुई है। मैं आज ये स्पष्टता कर देना चाहता हूं आज के कार्यक्रम के अंदर कि इनसे हमारी कोई स्पर्धा नहीं है, हमारी किसी से स्पर्धा नहीं है। ये सब का उपयोग करते हुए मुनाफा किसान के साथ पहुंचे, मुनाफा किसान के साथ पहुंचने के साथ साथ प्रमाणित बीजों का उत्पादन बढ़े और प्रमाणित बीजों का उत्पादन बढ़ने के साथ साथ एक्सपोर्ट में भारत का शेयर बहुत बड़ा हो, ये हमारा लक्ष्य है। तो ये सभी संस्थाओं को साथ में लेकर हम इस बीज कोऑपरेटिव का काम को हम आगे बढ़ाएंगे और सीड रिप्लेसमेंट रेट लगभग जो प्राप्त करना है उस लक्ष्य में हम आके आएंगे। इस संस्था के फाउंडेशन में इफको, क्रिप्को, नाफेड, NDDB और NCDC, ये पांचों संस्थाओं को जोड़ा गया है जो एक प्रकार से किसान के खेत तक अपनी पहुंच रखती है। इफको, क्रिप्को, नाफेड और NDDB और NCDC वित्तीय पोषण के क्षेत्र में, ये पांचों संस्थाएं कोऑपरेटिव और किसान के खेत तक पहुंच रखने वाली संस्था है और इनको हमने इसमें हितधारक बनाया है, पूंजी भी इनकी लगाई गई है। तो पांचों संस्थाओं को साथ में रखकर उनके माध्यम से जो उनकी रीच है, ये रीच सीधी की सीधी दूसरे ही दिन से हमारी बीज कोऑपरेटिव को प्राप्त हो जाएगी और इसके माध्यम से हम काम करेंगे। इससे मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो बंद हो जाएगा और सभी सहकारी संस्थाएं एक ही दिशा में, एक ही लक्ष्य के साथ, एक ही रोड पर काम करेगी। इफको का भी रोड मैप ये होगा, क्रिप्को का भी ये होगा, नेफेड का भी ये होगा, NDDB का भी ये होगा और ये सभी संस्थाएं जब एक रोड पर चलती है तो स्वाभाविक रूप से हमारी गति बढ़ती है। और इस संस्था के साथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव भी जुड़ पाएंगे, राज्य कक्षा की सहकारी संस्थाएं भी जुड़ पाएगी, जिला कक्षा की सहकारी संस्थाएं भी जुड़ पाएगी और पैक्स भी, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी भी जुड़ पाएगी। तो एक ऐसा खाका बनाया है जिसमें हर प्रकार की कोऑपरेटिव इसका हिस्सा बन सकती है और हर प्रकार की कोऑपरेटिव का सहयोग ये बीज कोऑपरेटिव ले सकती है और हमारे सदस्य सहकारी नेटवर्क के माध्यम से प्रोडक्शन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, परचेज, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग और एक्सपोर्ट, इस सभी लिंब में हम सर्वग्राही रूप से एक साथ साइमल्टेनियसली काम करेंगे। क्योंकि अगर बीजों का सिर्फ प्रोडक्शन होता है और टेस्टिंग नहीं होता है तो गुणवत्ता पर असर पड़ेगा, टेस्टिंग होने के बाद सर्टिफिकेशन नहीं होता है तो विश्वसनीयता खड़ी नहीं होती है।